नमस्कार। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, गल्फ कंट्रीज़, यूएस और यूरोप के सभी दर्शकों का और व्यूवर्स का जो है मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो है मैं फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बात करूंगा, और जहां तक मेरा मानना है ये एक काफ़ी लंबी सीरीज़ चलेगी, जैसे कि मेरी बॉन्ड की सीरीज़ थी तो उससे भी ज़्यादा लंबी चलेगी। और इस सीरीज़ के अंदर हम इस बात का सीखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट पर असर डालते हैं, जिसके कारण स्टॉक मार्केट की मूवमेंट होती है। और ये जो सीरीज़ है ये आप चाहे बिगिनर हो स्टॉक मार्केट में या एक्सपर्ट हो, ये सबके लिए है और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज की इस सीरीज़ के अंदर हम ये देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है वो जब किसी स्टॉक मार्केट पे होती है, किसी स्टॉक्स के अंदर होती है, और फिर जब करेंसी जो है उसका फ्लक्चुएशन होता है तो वो और स्टॉक मार्केट में उस फॉरेन इन्वेस्टर के जो पोर्टफोलियो है उस पर उसका क्या असर आता है। जहाँ तक बात करें एशियन मार्केट्स की, तो जैसे हमारे इंडिया का मार्केट है तो उसके अंदर आप जानते हैं कि FII की ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा जो है असर डालती है हमारे मार्केट के ऊपर, और एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि वो हमारे मार्केट को कंट्रोल करते हैं कि कब कितना ऊपर लेके जाना है, कितना नीचे गिराना है। इस बारे में मैंने कुछ वीडियोस भी डाल रखे हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, ये सीखते हैं कि करेंसी का और फॉरेन इन्वेस्टर्स का और उनके पोर्टफोलियो का क्या असर होता है। यहाँ पे मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा, लेकिन आप जिस भी कंट्री से हो तो ये आपके स्टॉक मार्केट पे भी उतना ही असर डालता है। खास करके जैसे कि पाकिस्तान के मेरे व्यूवर्स काफ़ी सारे हैं और नेपाल से हैं और गल्फ कंट्रीज़ से हैं, तो उसके हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए कि आप जानते हैं कुछ साल पहले जो है इंडियन जो रुपी थी वो $1 के बदले में 50 इंडियन रुपीज़ आते थे। धीरे धीरे ये इंडियन करेंसी का डिवेल्यूशन होता गया और फिर $1 के बदले में 60 रुपए आने लगे, और आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो $1 के लगभग 70 रुपए के आसपास पड़ते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने अगर आज से कुछ साल पहले इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदे और उस समय डॉलर का भाव 50 रुपये था और आज डॉलर का भाव 70 रुपये है, तो हम देखते हैं कि उनका पोर्टफोलियो इस समय किस प्रकार से होगा, क्या वो फ़ायदे में होंगे या घाटे में होंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि रुपए के मूवमेंट होने से उनके पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ता है, तो वो बाज़ार में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कि जब डॉलर 50 रुपये के बराबर था और किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने उस समय इंडिया में इंडियन स्टॉक मार्केट में $100 का निवेश किया, हम एक $100 के हिसाब से मान के चलते हैं। अब उसने $100 इंडियन मार्केट में लगाए, यानी उस समय उसके पास लगाने के लिए करीब 5000 रुपये थे। इन 5000 रुपये से उस व्यक्ति ने आज से मान लीजिए 5-10 साल पहले जो है कुछ स्टॉक्स खरीदे। अब हम देखते हैं कि जब रुपया 50 से 70 पे पहुंच गया तो उस व्यक्ति के पोर्टफोलियो की क्या पोजीशन है। अब आज की तारीख में जो उसने 5000 रुपये के स्टॉक लिए, उस समय जहां तक मेरा ख्याल है निफ्टी जो था वो 4000-5000 की रेंज में चला करता था, तो तब 50 रुपये के भाव था, आज 11000 की रेंज में है, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट अप्रिशिएट हो चुके हैं 50% से ज़्यादा, कई कई तो बहुत ज़्यादा ही हो चुके हैं 20-30%, कुछ गिरे भी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एक मोटा मोटा अनुमान ले लेते हैं कि चलो निफ्टी जो है आज 11000 के आसपास है, उस समय 4-5000 था, हम मान लेते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी है, ठीक है, एक बहुत ही नॉर्मल अनुमान है। तो आज की तारीख में क्या हो गया कि उस व्यक्ति के जो स्टॉक की कीमत है वो डबल हो करके 10000 रुपये हो चुकी है। अब रुपया आ गया है 70 पे। अब यदि वो इस 10000 रुपये के स्टॉक को बेच करके वो कन्वर्ट करता है किसमें, डॉलर में, तो क्या होगा
कि उसके जो 10,000 रुपये थे उसको आप 70 से डिवाइड कर दें। तो अगर आज की तारीख में अब वो अपने ये जो स्टॉक है जिसकी वैल्यू अब 10,000 हो चुकी है उसको बेच करके डॉलर में कन्वर्ट करता है, हम यहाँ पे एक मोटा मोटा 10,000 को 70 से डिवाइड कर देते हैं, तो उसको मिलते हैं $142। यानी कि $100 उसने आज से कई साल पहले इंडियन मार्केट में लगाए और उसको अब मिले $142। यानी कि उसको मोटा मोटा जो है $42 का फ़ायदा हो रहा है। अब उसको $42 का फ़ायदा हुआ, लेकिन इस $42 के फ़ायदे के लिए उसको कितने साल लगे? अगर मेरा अनुमान सही है तो कम से कम 5-6-7 साल पहले जो है ये रुपया 50 के आसपास था, और भी पहले की बात। 7 साल में आप $100 लगा करके $42 कमाते हैं, साल भर में उसने $6 कमाया अपने $100 की इन्वेस्टमेंट पे, 6% का रिटर्न हुआ। अब इसमें वो टैक्स वैक्स भी भरेगा, सब कुछ भरेगा, यानी क्या है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न जितना आना चाहिए था उतना आया नहीं। तो अब देखिए क्या हुआ कि 7 साल तक जो है उस आदमी ने, जो इन्वेस्टर है 7-8 साल से, उसको हर साल के सिर्फ $6 ही मिले। अब क्या होता है, मान लीजिए अभी उसने शेयर्स बेचे नहीं है, अब क्या होगा कि अगर रुपए की वैल्यू यहाँ पर घटती जाएगी, जैसे 70 है ना, अब ये 70 से जैसे जैसे रुपया डिवेल्यूएट होगा, यानी अगर आपका, पहले तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ जो बिल्कुल ही बिगिनर्स है स्टॉक मार्केट के लिए, कि रुपए का डिवेल्यूएशन और मतलब क्या होता है उसका, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए डिवेल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि पहले कुछ साल पहले $1 के 50 रुपये मिलते थे, अब वही $1 के मुकाबले 70 रुपये मिलने लग गए। यानी क्या हो गया कि डॉलर की तो वैल्यू बढ़ गई है और रुपए की वैल्यू कम हो गई है। इसको बोलते हैं कि रुपए का डिवेल्यूशन होना या रुपया कमजोर होना, यानी रुपए की वैल्यू कम होते जा रही है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे मार्केट में रुपये का जो डिवेल्यूशन होता जाएगा, जैसे जैसे रुपया गिरता जाएगा ना, अब अगर हम ये मान लें कि वो स्टॉक की कीमत 10,000 ही रह रही है, तो क्या होगा यहाँ पे उस आदमी को जैसे जैसे रुपया, मान लीजिए अगर 75 रुपये पहुँच गया, अब उसको 142 नहीं मिलेंगे। अगर रुपया 75 रुपये पहुँच जाता है तो उसको मिलते हैं $133.33। और एक और चीज़ है, जब रुपया डिवेल्यूएट होता है ना बहुत ज़्यादा, तो अक्सर स्टॉक मार्केट में सेलिंग आती है, क्या होता है, और ये जो 10,000 है ना, ये स्टॉक रह जाएगा उस समय 9,000 या उससे भी और ज़्यादा कम, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, जैसे ही रुपया गिरना शुरू हो जाएगा वो देखेंगे अरे यार हमारे तो ये कहीं और ऊपर ना चले जाए, वो फटाक से बेचना शुरू कर देंगे अपने स्टॉक्स। और अब उनके बेचने के कारण क्या होगा कि ये जो 10,000 का स्टॉक था वो 9,000 पे आ जाएगा। अब कोई फॉरेन इन्वेस्टर अभी भी इंडियन मार्केट में बैठा हुआ है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अब जो है 75 रुपये तो हो गया, 75 तो हो गई रुपए की वैल्यू और स्टॉक की कीमत और गिर गई। यानी कि जो इंडियन मार्केट में रुका हुआ है उसके लिए क्या होता है, 9,000 रुपये वैसे ही स्टॉक की कीमत रह गई, 75 से आप डिवाइड कर दीजिए, जो रुक के बैठा है अब उसकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू तो सीधा $120 रह गई। यानी इतने साल रुकने के बाद भी उसने क्या कमाया, सिर्फ $20। तो ये कारण होता है कि जब रुपया टूटना शुरू होता है ना, तो अक्सर फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी भी कंट्री से भागना शुरू कर देते हैं, वो उनमें होड़ लग जाती है कि सबसे पहले कौन निकलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे रुपये की वैल्यू डिवेल्यूएट होती है, करेंसी जो डोमेस्टिक करेंसी होती है जब वो डिवेल्यूएट होती जाती है, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू घटनी शुरू हो जाती है। और यही रीज़न होता है कि खास करके जैसे चाइना ने अगर युआन का डिवेल्यूशन किया, तो क्या हुआ, यूएस कंपनीज जो है उन्होंने अपने वहाँ से फंड्स निकालने शुरू कर दिए।
तो सेम चीज़ इंडिया में बीच में एकदम कभी रुपया गिरता है बहुत ज़्यादा, तो फॉरेन कंपनीज अपने जो है पैसे फंड निकालने शुरू कर देती है, तो ये होता है। हालांकि अब एक और चीज़ है, इसका दूसरा एक और जो है चीज़ है उस पर भी हम बात करते हैं। हाँ, लेकिन इसका एक दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि इस समय अगर मान लीजिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर $100 के साथ में इंडियन मार्केट में एंटर करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पैसा निकालना ही शुरू कर देते वो लोग, क्या होता है अगर उन्हें ऐसा लगे कि यार ये करेंसी जो है अभी 70 पे है, धीरे धीरे 60 तक जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एकदम पैसा गिरता भी है। लेकिन ये तभी होता है जब फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये लगे कि ये करेंसी अब अप्रिशिएट करेगी, इंडियन करेंसी या डॉलर की वैल्यू अब जो है कम हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है वो लोग पैसा डालना शुरू करते हैं। ऐसा क्यों, देखिए क्या होता है, मान लीजिए अब इस समय कोई इंडियन मार्केट में पैसा लगाता है तो $100 वो लेके आता है, उसको यहाँ मिल जाते हैं 7,000 रुपये, उस 7,000 रुपये के उसने मान लीजिए शेयर खरीद लिए, ठीक है। अब साल 6 महीने के बाद क्या हो गया कि ये करेंसी जो है 70 से धीरे धीरे मान लीजिए 65 पे पहुँच गई। अब और जो उसने 7,000 रुपये के जो शेयर्स खरीदे थे, हम एक छोटा सा अनुमान मान लेते हैं कि वो हो गए 7,500 के और करेंसी पहुंच गई 65 पे, अब क्या होगा, अब उसको कितने मिलेंगे यहाँ पे, तो अब उसको मिलेंगे $115। और ये भी एक थोड़े से पीरियड के अंदर, मतलब क्या है कि सिर्फ एक छोटे से पीरियड के अंदर क्या है कि अगर करेंसी बहुत ज़्यादा डिवेल्यूएट हो गई हो और फॉरेन इन्वेस्टर्स इसके अंदर घुसते हैं और फिर हमारी करेंसी जो है किसी भी देश की डोमेस्टिक करेंसी अगर अप्रिशिएट होती है, तो क्या होता है कि चाहे स्टॉक की वैल्यू बढ़े या ना बढ़े ज़्यादा, लेकिन करेंसी जब अप्रिशिएट होती है इंडियन करेंसी, तो उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू एकदम बढ़नी शुरू हो जाती है। और अगर मान लीजिए ये सिर्फ 1 या 1.5 साल के अंदर के डिफरेंस में ही अगर यहाँ तक पहुँच जाए तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लेकर के निकलते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, आप में से कई लोग जो डेली ट्रेडिंग करते होंगे या जो FII DII की ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ वगैरह पे ध्यान रखते हैं, और अगर आप बाकी के लोग नहीं रखते हैं तो आप कृपया करके रखना शुरू कर दीजिए। होता क्या है कि अगर रुपया बहुत ज़्यादा डिवेल्यूएट हो जाए और उसके बाद अचानक ऐसा लगे कि नहीं अब ये एक लिमिट पे पहुंच गया, अब इससे ज़्यादा और नीचे नहीं गिरेगा, तो धीरे धीरे बाजार में बाइंग आनी शुरू होती है। पहले तो लोग अपना डर के मारे पैसा निकालते हैं, लेकिन कुछ नए इन्वेस्टर्स घुसते हैं, बाजार में बाइंग आनी शुरू होती है इस एंटिसिपेशन में, इस चीज़ को मानते हुए कि भाई रुपया जो है अब अप्रिशिएट होगा। अच्छा, दूसरा ये चीज़ आपको जानना क्यों ज़रूरी है कि देखिए क्या है कि वर्ल्ड मार्केट में खास करके US मार्केट में अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। इतने साल तक क्या होता था कि जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज थी, डेवलपिंग कंट्रीज थी, वो अपने रुपए को डिवेल्यूएट करती रहती थी, अपनी करेंसी को डिवेल्यूएट करती थी, ठीक है। अब इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान वगैरह दूसरी कंट्रीज हो गई, सारी जो है अपने करेंसी को डिवेल्यूएट करते थे, टर्की वगैरह। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि US के और यूरोप के लोगों को भी ये बात समझ में आ गई कि अरे यार अगर हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डिवेल्यूएट हो जाती है तो इसका कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा मिलता है, बाहर से इन्वेस्टमेंट अंदर आती है और एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इम्पोर्ट कम होते हैं, तो इस कारण से क्या है कि अब US के सेंट्रल बैंक और यूरोप के सेंट्रल बैंक वगैरह ये लोग जो हैं अब अपने करेंसी के पेयर्स पे नज़र रखते हैं जब इनकी पॉलिसी बनती है। तो अभी जैसे रिसेंटली US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि यार US का डॉलर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांग होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग नहीं चाहते कि उनका जो डॉलर है इतना स्ट्रांग रहे। अब जैसे ही उन्होंने ये बोल दिया कि डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उस समय रुपया जो था वो 71 रुपये के आसपास कुछ था, और अचानक ही 10-15 दिन के अंदर अंदर वो 71 से होते होते 69.75 तक आ गया, मतलब गिर गया, हमारा रुपया जो है वो अप्रिशिएट हुआ, डॉलर की वैल्यू कम हो गई।
तो जब आप बाजार में काम करें तो ऐसी चीज़ों की ओर ध्यान रखें कि ये फंडामेंटल जो है ये आपको ध्यान होने चाहिए कि भाई करेंसी जो है क्या मार्केट में अभी करेंसी का भाव चल रहा है, क्या इंडियन करेंसी या आपका जिस भी कंट्री के आप से आप देख रहे हैं इस समय उस करेंसी का और डॉलर के मुकाबले क्या भविष्य में लेन देन हो सकता है, क्या उसके रेट्स होंगे, इस बात का आप ध्यान रख के ट्रेडिंग करें। ये फंडामेंटल्स की सीरीज़ में मेरा जो है पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम और बातें को और डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं भी किया है। और हाँ यार, यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वाइफ ने एक अपना चैनल शुरू कर दिया था। जब मैंने चैनल बनाया था तो बोले मैं भी चाहती हूँ चैनल बनाऊँ, ये वो, अब पता नहीं क्या क्या वीडियोज़ बना के डालती रहती है। ठीक है, मैं भी एडिट कर देता हूँ, कोई मना नहीं करता हूँ उसको। तो लेकिन ये है कि अब उसका चैनल थोड़ा पॉपुलर हो जाए तो वो कह रहे थे कि तुम अपने चैनल पे मेरा जो है चैनल की एक रिक्वेस्ट डाल दो। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, उसके चैनल का नाम परी का किचन है। वैसे इस नाम से कई सारे चैनल्स हैं तो भाइयों कम से कम दूसरे चैनल्स मत सब्सक्राइब कर लेना। इसका जो लिंक है मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं। या अभी यहाँ पे मैं एक आपके सामने बॉक्स बनाएगा ऊपर, तो उस पर भी क्लिक करके आप इस चैनल पे जा सकते हैं। या मेरे चैनल के अंदर अगर आप जाएंगे तो उसमें अबाउट सेक्शन में या जो चैनल सेक्शन में भी मैंने उसके चैनल को डाल रखा है और एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है उसके चैनल की। तो हो सके तो उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस यही एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, आशा करता हूँ कई लोग पूरा करेंगे। तो और बाकी जो है जो भी डिटेल्स होगी फंडामेंटल्स की वो मैं अगले वीडियोस में डालता रहूँगा। थैंक यू।